मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। रात करीब 12 बजे के आसपास चरनीपाड़ा नूर अस्पताल के पास मेगा चौल में नाले की दीवार गिरने से मकान में जो बाथरूम बनाया गया था साथ में वो भी गिर गया। मकान दीन मोहम्मद का है जो नाले की दीवार से सट कर इन्होंने बाथरूम बनाया था, मगर रात के समय अचानक नाले की दीवार गिरी और साथ में दीन मोहम्मद के मकान का बाथरूम भी नाले में गिर गया। जिस मकान का बाथरूम गिरा है ये इमारत 3 मंजिला है। इस हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं है, मगर सबसे बड़ी बात यह है कि बाईपास से लेकर मदार कॉम्प्लेक्स तक नाले का काम हो चुका है, मगर उसका काम अब इसलिए रोक दिया गया है कि जो मकान ज़्यादातर नाले से बिल्कुल लग कर बने हुए हैं, ऐसे में यहाँ नाले के दीवार का काम होना मुश्किल हो रहा है। काम के दौरान अगर किसी का घर गिर गया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? नगर सेवक शाह आलम ने बताया कि इसकी वजह से काम आगे नहीं हो पा रहा है, मगर सवाल ये भी उठता है कि नगर सेवक एक नाले का काम इतने दिनों से अधूरे में लाकर छोड़ दिया है, अगर इस नाले के किनारे बनी कोई भी इमारत या मकान गिरी उसमें किसी की जान गई तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? आधा अधूरा काम नाले का करके इसे ऐसे ही छोड़ दिया गया है। नगर सेवक का कहना है कि लोग नाले की दीवार बनाने में उनका समर्थन नहीं कर रहे हैं, दीवार बनाने के वक्त इनके मकान खाली चाहिए, क्योंकि काम के दौरान अगर कोई हादसा हो गया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? नगर सेवक शाह आलम ने क्या कहा है। इस्लामुद्दीन भाई, ये नाला ऐसा जो गटर है ना, गटर एकदम ढसल चुकी है, बहुत पुरानी हो गई थी, उसकी वजह से गिरी। बिल्डिंग का कोई वो नहीं गिरा है, ये नाले की दीवार गिरी है। और INDP नाला जो हम लोग का काम चालू था वो आधे से ज़्यादा हिस्सा काम कंप्लीट हो गया, बाईपास से लेकर शौचालय तक का। अब यहाँ से यहाँ तक 100 से 200 मीटर का काम बाकी है। और थोड़ा सा मसला ये आ रहा था कि लोगों के जो चालिया जो घरे हैं वो बाउंड्री के ऊपर ही है, तो उसके वजह से थोड़ा सा काम बंद हुआ था। उसका अभी हम लोग से बात कर रहे हैं लोगों से कि भाई आप लोग थोड़ा कॉपरेट करो और अपने अपने दो दो एक एक फुट की दीवार कम कर लो, या तो अपने रूम खाली कर दो 1 महीने 20 दिन के लिए। जैसे आप ये नाला का काम कम्प्लीट होएगा आप लोग अपने घरों में आ जाना। बस इसी काम कितना दिन हुआ इस नाले का काम पास हुए हुए? ये नाला बारिश से पहले हमने गए साल चालू किया था काम, और 3 महीने में हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं, बाईपास से लेकर यहाँ तक आ गए। अब यहाँ से यहाँ तक का काम सिर्फ इसी वजह से फंसा हुआ था कि जो चालियाँ हैं या कुछ घर जो है, आखिर लोग जो है अपने घरों को खाली क्यों नहीं करने, आखिर क्यों नहीं काम होने दे रहे हैं, इसकी वजह क्या है? देखो, आपको मालूम है ना, गरीब जनता है, झोपड़पट्टी नाले के सामने कौन रहता? गरीब ही लोग रहते, कोई अमीर तो रहता नहीं। इसकी वजह से वो लोग डर रहे थे कि घर हमारा जाएगा, उन लोगों का डर है कि घर गिर गया तो उसको कौन बना के उसकी जिम्मेदारी, उनकी जवाबदारी उन्हीं की रहेगी। किसकी रहेगी? जो घर मालिक है उन्हीं की रहेगी ना भाई, काम होगा ना, काम होगा ही नहीं तो अभी मैं उनसे बात किया हूँ कि आप लोग इसको जल्दी से जल्दी मसले को हल कराओ, या तो आप लोग खाली कर दो 1 महीने के लिए, जब काम हो जाएगा आपका घर, उसके बाद आप आके अपने घर में रहना चालू करो। जो नाले के ऊपर है, जो दीवार के दीवार नाले की दीवार पे जिन लोगों की दीवारें हैं उनको मैंने ये बोला हूँ कि या तो उसको आप लोग तोड़ दो। आपने कभी जो यहाँ पर रहते हैं इन लोगों से कभी कुछ ऐसी बातचीत की कि जो आप लोगों को सपोर्ट करें इस नाले की दीवार बनाने के लिए? जब तक आप इन लोगों से बातचीत नहीं करेंगे तो ये काम पूरा कैसे होगा? नहीं नहीं, इनसे मेरी बात हुई थी उस टाइम पे तो लोग रेडी थे, अभी जब काम बारिश की वजह से काम बंद हुआ था, अब बारिश खत्म हो गई तो अब काम चालू होने वाला, तो मैंने अभी इलाके के लोगों से बात किया कि पूरे चालू वाले की मीटिंग रखो, अपन बैठ के उनको समझाते हैं कि भाई कुछ दिन के लिए आप लोग थोड़ा सा कॉपरेट करो, म्यूनसिपैलिटी को काम करने दो ज़रा। जिस वजह से आप लोग बता रहे हैं कि इन लोगों की वजह से काम नहीं हो पा रहा है और आप लोग अभी थोड़ी दूर काम करके छोड़े हुए हैं, ऐसे में अगर कोई इमारत गिरती है या कोई बड़ा हादसा होता है तो इसका जिम्मेदार आखिर कौन होगा? असल बात देखिए, जो इसलिए काम रुका, ये डर रहे थे कि जैसे कि ये नाला 20-25 साल पुराना नाला है, अब 35 साल पुराना ये नाला था और उसकी दीवारें अभी एकदम ना जर्जर हो चुकी थी, तो उसकी वजह से थोड़ा सा डर रहता काम करने के लिए भी कॉन्ट्रेक्टर के, मतलब कभी वो नाले की सफाई करेगा मट्टी की तो हो सकता कभी ये दीवार बैठ ना जाए, उसकी वजह से कोई घर वर गिर ना जाए, इसकी वजह से ये काम रुका था। नाले का काम अधूरा रुका हुआ है, लोग मकान नहीं खाली कर रहे हैं, मगर नाले से लगकर जो मकान बने हुए हैं नाले की दीवार ना बनने से इन इमारतों को काफ़ी खतरा बढ़ गया है। अगर नाले का काम जल्दी पूरा नहीं किया गया तो कोई बड़ी अनहोनी हो सकती है, अगर ऐसा हुआ तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।
अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।